कुछ नहीं हुआ, वो ये कमरे के अंदर सांप घुस गया था। यहाँ पर जंगल में रहते हैं फार्म हाउस में, तो हमने फार्म हाउस कमरे के अंदर सांप घुस गया, बच्चे डर गए, मैं चला गया तो एक लकड़ी भी तो मुझे तो लकड़ी आई तो इतनी छोटी लकड़ी और लंबी लकड़ी बड़े प्यार से और उसको बाहर ले गया। सांप भी बड़ा प्यार से निपट गया उसके ऊपर। सुबह पीछे आना ये वो सांप ये लकड़ी चढ़ना शुरू कर दिया मेरे हाथ पे आ गया। सांप को अरुण मेरा बूम पकड़ छोड़ी और नाम पकड़ लिया ये रूम छोड़ ले। तो यहाँ के जितने भी गाँव वाले हमारे जो स्टाफ है उनको पता है कि वो कंधारी सांप है, तो उन्हें जोर से चिल्लाया कंधारी कंधारी कंधारी, तो वो सांप को समझ में आया कि वो कंधारी है उसको काट। तो उसने मुझे एक बार डसा, फिर सावला 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 के काटा 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 काटा, इतना जोर से शोर हुआ तो उसको समझ में आया कि अच्छा ये काटना होता है। तो उसने एक और बार काटा, फिर हॉस्पिटल 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 हॉस्पिटल, इतना कमोशन हो गया था वहाँ पर जो जहरीला टाइप का सांप है। तो फिर उसने तीसरी बार और उसको सांप को बड़े प्यार से छोड़ दिया। हम हॉस्पिटल चले गए और हॉस्पिटल में चला के ये अलग किस्म का सांप है, तो जो कंधारी जो क्रेट है लेकिन ये वो वाला क्रेट है। तो फिर वापस आए और वो सांप यहीं पर था, तो हमने वो सांप को प्यार से वापस यहीं पर छोड़ दिया। अब आपकी तबीयत कैसी लग रही है? ऑल गुड, तो हर एक सांप का एंटीवेनम ले चुका हूँ मैं, क्रेट का वाइपर का, क्योंकि वो समझ में आता नहीं है कि ये जहरीला सांप है या नहीं, तो इसलिए वो सांप को हम हॉस्पिटल लेके चले गए प्यार से। बच्चे की तरह और बताया गया कि ये चलो इसके ये सब ले लो, ये सब जो एक कंकॉक्शन होता है उनके पास के क्रेट का वाइपर का कोबरा का और एक और कोई सांप का, तो आप छोड़ते हैं डेली एंटीबायोटिक 6 घंटे के बाद रखा होगा। ठीक है, वापस आया तो सांप मरी था, तो सांप को पकड़ लिया वापस से और उसको प्यार से छोड़ दिया। मेरी बहन काफ़ी डरी हुई थी तो मैंने उसको वो सांप से दोस्ती हो गई, तो उसे फोटो बेचारा भी एकदम घबरा के उसने कहा और बड़े एकदम शर्मा शर्मा के बेमरबर थे। जहाँ जहाँ आवाज़ आई उसको ऐसा लगा वाइब्रेशन से फिर काटना जो उसके बाद भी ठसा नहीं।